सोनी अभी पता चल जाएगा सोनी के अंदर क्या है, जिसका डॉक्टर इलाज कर रहे थे। एक बात ना, कमीने प्रेत भी ना सुई लगने के डर से जीते थी, सुई लगती थी। डॉक्टर कहता था ढीला छोड़ कूला, और कूला ढीला होता नहीं था और टाइट हो जाता था सुई के भैसे, ठीक है ना। तो इसलिए डॉक्टरों के सामने ही नहीं आते कमीने, डॉक्टर की बत्ती भ्रम कर देते हैं, ठीक है। फिर डॉक्टर पैसे लेता रहता है, रोग ठीक नहीं होता, रोग यही देते हैं। देखो कितना कमाल ये भाई, हद ही है। सोनी नाम है तेरा? सोनी आगे सोनी देवी लगी। अच्छा देवी भी तू ही है? ये सोनी देवी तो नहीं आई है भाई भारत में। पहले तो मैंने जगदम्बा देवी सुनी थी, पराम्बा सुनी थी, काली सुनी, कराली सुनी है जी, सारी तारा सुनी, चिन्मस्तिका सुनी, सोनी नहीं आई है। ये काली देवी है जी, ये काली देवी है, माला पहने हुए लाल रंग की, ठीक है, माणिक के समझ लो, ठीक है ऐसे। पर आजकल की देवियां सूट सलवार पहनने लगी है भाई। ये देखो जी सोनी देवी का सांस फूलने लगा है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। कोई बांट दे इनको, बच्चों को, बच्चे चाय नहीं पीते, जो बच्चे चाय नहीं पीते हाथ उठाए वो केला और वो खाएंगे। भाई चाय पीनी आराम से, गिराना दो, कोई हाथ एकदम से ऊपर नहीं करेगा, बहुत देख के ये खुला है। अरे भाई चाय पी लो ना, चाय नहीं पी रहे तुम लोग, क्या कर रहे हो, कलयुग का अमृत नहीं पी रहे तुम लोग हैं? चाय पीते नहीं है, कमाल है। आजकल के असल में भक्त भी दारू पीते हैं, ठीक है, चढ़वाते भी दारू है, पीते भी दारू है, भूखा पीते हैं, चाय पीते नहीं हैं। मैं ही ऐसा भक्त हूँ जो चाय पीता हूँ, पिलाता हूँ। क्या कर रही है, ये तो नाटक है सरेआम, पाखंडी है तू, पाखंडन है। अब ये कभी इसको पेट में दर्द करता है, कभी कहीं दर्द करता है, इतनी इमरजेंसी बना देता है।
कि डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, डॉक्टर 20-30-40 हज़ार रुपए से पहले पीछा नहीं छोड़ता, लास्ट में ढाक के 3-5, जब घर आती है तो वही दर्द बरकरार रहता है। देखो भाई ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर लगता है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा कहाँ गया कहाँ नहीं। ओ भाई सारी दुनिया ये बताए जिनके नाम लिखे हुए हैं ये प्रेतादिक शैतानादिक है कहाँ आखिरकार, ये ऐसे धसे बैठे हैं लोगों में, घर घर धास दिया इन्होंने और दुनिया भर के रोग उत्पन्न कर दिया जिनको डॉक्टर रोग कहता है। देख लो भाई ये रे, देख लो भाई किसी ने प्रेत ना देखा हो कैसे धसा पड़ा है। अब तुम ये सोचते हो तुम्हें अलग से कोई प्रेत देखने के लिए मिलेगा, लंबा तगड़ा सा सींग वाला दो आँख वाला, ये तुम्हारी मूर्खता है। मैं क्या बताऊँ तुम्हारे से बड़ा भारतीयों से बड़ा मूर्ख मैंने देखा भी नहीं है कोई, है ना। हिंदुओं में ज्यादा मूर्खता है, किसी की भी बात फौरन सुन लेते हैं, अपने ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं ध्यान से, फिर उसकी खोज नहीं करते। हम लोग इसकी ऐसी तबीयत खराब है, फिर इसको हॉस्पिटल में नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें असली सूरत का पता है कि आखिरकार इसको है क्या, और तो इसको ऐसी सूरत में ले जाओ किसी डॉक्टर के यहाँ, फौरन एडमिट करके पैसे ले लेगा। हमें पता है थोड़ी देर बाद ठीक हो जाने वाली है, इसलिए हम फ्री बैठे हैं, शांत बैठे, हम दिमाग लगा ही नहीं रहे। क्यों जी? अरे लड्डू है मेरे पास, खा ले तो आएगा। अच्छा एक खा ले बेटा, एक फूल क्यों नहीं खाएगा लड्डू? बीमार उसी से हुए लड्डू से, दर्द। लड्डू से कौन बीमार होता है? दर्द उसी से हुआ। किसको दर्द हुआ है? किसको दर्द हुआ है? लड्डू से कभी दर्द होता है? चुपचाप खड़ा होके बैठ जाना तो लड्डू खिला दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। चुप बैठ, ऊपर उठ के बैठ, लड्डू खिला दूंगा। बैठेगा कि लड्डू खिला दूं? बैठूंगा। बैठ जल्दी बैठ। देखा भाई लड्डू खाने का कितना भय है।
एक देसी घी का, किरण पाल का, अरे दुल्हड़े वालों का ये वो वाला लड्डू नहीं है, दिक्कत वाला। हाँ 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 आधा ले ले, आधा ले ले, आधा ले ले, गया। किससे? लड्डू खाने से। लड्डू खाने से कभी किसी को दिक्कत हुई है? बोलो बजरंगबली महाराज यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। दिक्कत हो रही है। बैठ जा चुपचाप, अपना लड्डू खिला दूंगा, सारी जान आ जाएगी। लड्डू नहीं खाएंगे, बैठ तो जाऊंगा। हाँ बैठ, चुप हो गए, बैठ, लड्डू खिला दूंगा। होली दिक्कत लो भाई। वे शनिदेव महाराज की। एडमिट करे बिना इतनी दिक्कत दूर होती ना, हमने बिना एडमिट किया ऐसा काम कर दिया। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम, ध्यान से देख मुट्ठी में क्या हो रहा है। कुछ देख भाई, देख इसको ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूम रहा है, कुछ घूम रहा है। बहुत भारी हो रहा है। डू है पास में, नहीं खाएंगे। अरे वजीर कहाँ गया आज? लड्डू नहीं, नहीं। चुप। ये प्रेत कितना भयभीत है लड्डू खाने से। प्रेत को ही दर्द कर दिया पेट में, लड़की को नहीं प्रेत को। अब ससुरा निकलने की तैयारी में है। अपने होश में रहे, अपने होश में आ, अपना वजन लगा, छोड़ उसको। मुट्ठी में देख क्या हो रहा है। बस इस तरह घूम रहा है। आजकल क्या होता है तुझे? घूम रहा है, बस दर्द होता पूरे शरीर में, चुभन करके पूरे तरह चुभाता। अभी कहाँ दर्द हो रही है? अब बस इसी में घूम रहा हूँ। घूमने देना यार, पीछे कहाँ से है? इसका मतलब बोल रहे है ना, पीछे जोर लगा रहे है ना अभी। बार मुंह खुला, लड्डू अंदर गया।
भाई छोटे बच्चे लड्डू खाना चाहते हो तो ये भाई असली बेसन का बढ़िया वाला देसी बच्चे को दे दो मेरे तरफ से। नहीं एक तो मैं तेरे लिए फिर भी रखूं। बच्चों को दे दो मेरे तरफ से। भाई कोई बच्चा मुझे मत गिलाओ, मुझे मत गिलाओ, मुझे नहीं खाना। बच्चों को लड्डू नहीं चाहिए। अरे आजा ले गणेश, गणेश कहाँ बैठा? ले ले लड्डू, ए ले ले लड्डू, ए लड्डू ले ले, ए लड्डू ले ले, ए ले ले लड्डू। उसको दे दी बच्चे। ए लड़कू रही है सांस ठीक है ना? ठीक बना हुआ ना? ये कोई दुल्हेड़े का है किरण पाल, इसकी बहुत अच्छी मिठाइयाँ आती है। पेट पकड़ रही है, इसको बोलते हैं तंत्र क्रिया। नाभि के नीचे जो बैठता है, नाभि मंडल के जो नीचे बैठते हैं, मंडल है शरीर में छह चक्र, ठीक है, जिन पे योगनियों का राज है। और उनमें से दो तीन योगनियां ऐसी है जो प्रेतादि को लेकर चलती है और वहां पर जाकर स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो मूलाधार चक्र से तो दोनों ऊपर के चक्र है वहां तक भी इनका वास होता है प्रेतादिकों का। इसके अलावा ब्रह्मरंध्र में भी प्रेतादिकों का वास होता है, ठीक है, ऐसे। और आज्ञा चक्र में भी प्रेतादिकों का वास हो सकता है, ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। ये बातें बताने की नहीं होती, ना कोई बताता है, ऋषि मुनियों को ही नहीं पता है, बड़े बड़े को साधकों को नहीं पता है, वे इतनी गंभीर साधना करते नहीं है आजकल भारत में, ठीक है। से ये पता चलता है कि प्रेतादिक हमें उल्टी उल्टी कराते रहते हैं, ढकार भी देते रहते हैं पितरादिक, लेकिन डॉक्टर कभी उस पर ध्यान ही नहीं देता कि दवाइयां देता रहता है, ये नहीं सोचता ये आदमी ठीक क्यों नहीं हो रहा। अगर डॉक्टर एक एक बात पे गौर और गंभीरता करने लगे तो अपने आप पता चल जाएगा देश को इस नई विधि का। और ऐसे डॉक्टर भी बैठ के ठीक कर सकते हैं जैसे मनु भैया ठीक कर रहे हैं। किसी को नाम जप करने में क्या दिक्कत है? भाई उसकी भगवत भक्ति बढ़ती है, दूसरे का कल्याण होता है।
अपने होश में है, क्या हो रहा है? ये लग रहा है नीचे से चीज खींच रही है मुझे। कहाँ खींच के आई है अभी? यहाँ से यहाँ तक। हाथ तक आएगी ये? पूरा दबाव मारेगा हाथ तक आते हुए? कहाँ महसूस हो रहा है? यहाँ पे कुछ ऊपर को आ रहा हूँ। क्यों तेरा साथी है? तेरा साथी है क्या ये? सामने काट दो। क्या महसूस हो रहा है? कुछ ऐसा लग रहा रिंगता हुआ हरा इस पे आ गया पूरा रह रहा है बाकी इस जगह भी है यहाँ पे। कहाँ महसूस हो रहा है? पीछे हो थोड़ी खड़ी हो। ये लग रहा पैरों से ऊपर रिंगता चला रहा है इधर को।
इसको प्रेत उन्माद बोलते हैं। डॉक्टर इसको कभी भी ठीक नहीं कर सकता, दवाइयाँ दे सकता है नींद की, नशे की, ठीक है ना। ऐसे लोग केवल शनिधाम में ही ठीक होते हैं, कुछ एक दो इक्के दुक्के इधर उधर ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक करने की विधि से ठीक नहीं हुए हैं कभी भी। वो प्रेत का समय ही आ जाता है, जैसे आदमी के मरने का समय आता है ऐसे वैसे उसकी योनि के छूटने का भी समय आ जाता है। लेकिन जो लोग मंत्रों से काम करते हैं वो मंत्र से ऐसे कई बार उसकी योनियां छुड़ा देते हैं, क्योंकि उसका कल्याण हो जाता है। पहचान में कुछ भी नहीं। वो नीम खड़ा है, ये मनो भैया बैठे हैं, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मेरी समझ में आ रहा। ये जो पुराने धसे हुए प्रेत हैं कई बार यही देवता बन जाते हैं, ये खाते रहते हैं और आदमी के शरीर में खेल ले लगते हैं। ये फिर दो चार साल पुराने जो प्रेत होते हैं उनको मार मार के भगाते रहते हैं, कुछ कुदाते रहते हैं, उछालते रहते हैं और खुद देवताओं का रूप धारण कर लेते हैं। बहन जी दर्द तो नहीं हुए ना अभी आपको? जय श्रीदेव महाराज की, जय शंकर भगवान की, जय बालाजी महाराज की। ये पूरे शरीर में रमे होता है इस तरह, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए कि बचपन से है। ये बात जानी नहीं जा सकती किसी भी तरीके से, अमूमन अंदाज लगाया जाता है। लेकिन इसको निकालना बड़ा खतरनाक खेल है, शरीर के अंग अंग में से निकालना, रोम रोम में से निकालना, उसके लिए समय लगता है। कोई ये समझे कि एक सेकेंड में हो जाता है ये सारा काम, वो होता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी लाभ मिल जाते हैं। प्रक्रिया यही है जो माला के अंतर आने की है, इसी से जब हम भोग देते हैं भगवान को तो वो भोग में भी जाता है पदार्थ और तेजी से जाता है, तो तब समय पाके वो निकल जाता है घिस घिस के। और हमारी दवाइयाँ छूट, तो किस किस की दवाइयाँ छूटी है हाथ उठाइए जरा, जिन्होंने दवाइयाँ बंद कर दिया, जो भी हाथ उठाएगा दोनों हाथ उठाएगा, शनि धाम में आने से जिन्होंने दवाइयाँ बंद कर दिया ऐसे दोनों हाथ उठाएंगे, तो ठीक है। क्या हुआ था तुझे? डॉक्टर ने क्या बताया था? फेफड़ों में पानी ठीक हो गया, यहाँ से लो जी फेफड़ों का पानी ठीक हो गया मंत्र औषधि से। किसका? अब मैं टाइफाइड का इलाज नहीं करता, मैं तो प्रेत रोग का पितृ रोग का इलाज करता हूँ। कौन सी बार आई है ये? कौन सी बार आई है? तो फिर मेरा नहीं होगा ना, टाइफाइड होता तो पता चल जाता, उतर जाता। आपकी दवाइयाँ कौन सी छूट गई है?
भाई टाइफाइड में ऐसे ही होता है ना, कुछ दिन दवाई खाई आराम पड़ गया, फिर बाद में अपने आप उभर आता है। टाइफाइड कई बार सालों भी रह जाता है ना, और कई बार वो टीबी में भी बदल जाता है। हाँ जी, गठिया भाई की दवाई छूट गई, आराम भी पड़ा है यहाँ से कि नहीं? क्या आराम पड़ा है गठिया भाई में? ऐसे हो गए थे, मुड़ गए थे, हाथ पैर चल नहीं पा रहे थे, टेढ़े हो गए थे। अब ठीक है? अब ठीक है। कहाँ दर्द है पूरे शरीर में? दर्द कहाँ है? दर्द कहाँ है? दर्द पहले कहाँ था? पहले पूरे शरीर में था, और अब? अब पूरी इधर नहीं है। अब दर्द घटता जा रहा है, जितना दर्द घट गया उतना तत्व घट गया, तत्व जितना इसमें बंधित हो गया, छोड़ने के बाद एक दो बार जा रहा जोर से महसूस होगा, फिर पता चलेगा हमारा उतना भार कम हो गया है। अरे ओम नमः शिवाय, उनका जाप करो सारे भाई, ढीले पड़े रहते हो। भाई एक लड्डू रह गया यार, तेरे नाम का रह गया बेटा ये। मुझे नहीं खाना, बहुत दिक्कत है ना। लड्डू क्या दिक्कत होता है, मुझे तो पता नहीं, सबने लड्डू खाया, कोई दिक्कत हुई भाई? बूंदी वाला खाएंगे इसको खा के ठीक हो जाएगा अगली बार। कम होता जा रहा है, जो जो कम होता जा रहा है, तो नवा आदमी कम होता जा रहा है। जैसे हाजिरी भी एक ही दिन में बंद हो जाएगी, ठीक भी एक ही दिन में हो जाएगी, जितना कम हो जाएगा उसी के हिसाब से ठीक होती जाएगी, उसी के हिसाब से हाजिरी बंद होती चली जाएगी। लेकिन मैंने आज तक कोई दूसरा आदमी नहीं देखा जो मनु भैया की तरह समझा और करके दिखा दे, साथ साथ एक ही दिन में करके दिखा दे। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव, सूरज की कितनी किरणें होती है? सात किरणों में कितने रंग होते हैं? सात किरणों के रंग मिलके कितने रंग बनाते हैं? कौन सा? व्हाइट बनता है, और मिक्स कर करके कितने बनाए जा सकते हैं? कितने? लाखों? मात्राएं कम ज्यादा करके लाखों बना सकते हो? नहीं भाई, बना सकते हैं कि नहीं? उसके अलावा रंग है ही कहां, सारे रंग तो सूर्य से निकले हैं, तो सूर्य को कौन नहीं देखता, सब देखते हैं। और फिर पूछते हैं भगवान कहां है,
भगवान सामने है, यकीन है नहीं भगवान का। भगवान ना निकले 10 दिन ना दिखाई दे तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर भी यकीन नहीं है कि यही भगवान है। देख लीजिए, भगवान ना हो तो प्राण ऊर्जा का संचार करो, देखिए कमाल की बात है जी। और फिर ढूंढते फिरते हमारे भगवान कहाँ है, सूर्यदेव से बड़ा भगवान कहाँ है बताइए भाई। और भगवान का जो बीज है राम, उस बीज से सारे रोग खत्म हो जाते हैं बताइए। सारे रोग किससे खत्म होते हैं? भगवान सूर्य से, राम बीज से। ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। होते हैं कि नहीं होते हैं? और डॉक्टर कहते हैं कि हम रोग ठीक करते हैं, तो फिर भाई भगवान सूर्य क्या करते हैं? जब तुम रोग ठीक करते हो तो फिर भगवान सूर्य क्या करते हैं? फिर सूर्य नमस्कार हम क्यों करते हैं? हम डॉक्टर को ही नमस्कार कर ले, जैसे सूर्य को नमस्कार करते हैं, दो बार मुड़ के दो बार तुड़ के। नहीं जी, फिर सूर्य कौन सा रोग ठीक करता है भाई? हाँ, अब उस आदमी में कोई ना कोई तो कमी थी, या विल पावर की कमी थी, या ग्रह की कमी थी, या और कमजोर था, जिसकी वजह से उसमें भूत आया। अब वो तो निकाल दिया। हाँ, अब वो जगह खाली है। प्रेत महात्मा में आ जाए तो एक रास्ते सारे खुले हैं, सभी चक्र खुले हैं, सभी चक्र घूमते हैं, उनका शोर भी आता है, वहाँ पे शब्द भी है, वर्ण भी है। फिर जब मैंने बताया ब्रह्मरंध्र तक प्रेतादिकों का वास है, जब तक ब्रह्म के पास नहीं पहुँच जाते तब कौन सा लोक है जिसपे शैतान कब्जा नहीं कर सकता? इंद्रलोक तक शैतान कब्जा कर सकता है कि नहीं? हैं, ब्रह्मलोक के बाद देवलोक ही आएगा, देवलोक में इंद्र देवता रहते हैं कि नहीं, बोलिए। हाँ जी हाँ जी, आज्ञा चक्र पे भी प्रेतादिकों का वास हो सकता है, तो मूलाधार के बाद मणिपुर स्वाधिष्ठान पे भी प्रेतादिकों का वास हो, क्योंकि उनकी जो देवियां हैं वे उनके अंतर में प्रेत बसते हैं, उनके इशारों से प्रेत चलते हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर बेताल सब उनके पास इनका आधिपत्य है। जैसे नीरति देवता शैतानों के देवता है, कष्ट के देवता, कष्ट ही देंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के पैदा हुए लोग भी कष्ट पाते हैं, कष्ट ही देंगे, क्यों जी? इसलिए धूमावती माता का जाप करते हैं। धूमावती का, हाँ, वो ज्येष्ठा नक्षत्र की गणना करने वाली है। लेकिन आप क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछते हो, पता नहीं कहाँ से तुम्हें ये। तो गुरु जी कैसे वो निकल गया? हाँ, कान खाली हो गया। हाँ, अब कोई दूसरा ना आए तो क्या? इसके लिए तो जाप कराता हूँ मैं, माखी थोड़ी ना मार रहा हूँ तुम्हें, इसलिए तो सीख नहीं। देरी से ठीक करने का मतलब भी ये है, वरना तो मैं एक दिन में 3 आदमी ठीक कर सकता हूँ 4-4 घंटे में। देरी से ठीक करने का मतलब ये है कि ये 20-20 साल पुरानी समस्या है, नहीं समझे, हम एक दिन में ठीक करना चाहते हैं। आज मान लिया मैंने ठीक कर दी, कल फिर भराए, तो फिर एक बोतल वाला बाबा था, वो बोतल में जिन बंद करता था 70,000 रुपये लेता था, अगले दिन आदमी फिर बीमार होता था, अगले दिन वो कहता था भाई मैंने एक तो निकाल दिया, वो तो बोतल में बंद करके दबा भी दिया है जी, अब 70,000 और दे। शरीर को पकाना, भगवान से जोड़ना, भगवान का नाम लिवाना, भगवान से जोड़े रखना, यही मेन काम होता है भक्त का, नहीं समझे आप? मैंने ये गणना नहीं करनी है, तुम 1,00,000 बार आओगे और मुझे 100-100 रुपये दोगे मत देना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 100 रुपये, मैंने तुम्हारी सेवा करनी है, ठीक है? कष्ट पाके दुख पाके बस सेवा करनी है, एक ही उद्देश्य है, तभी तो कोई छुट्टी नहीं करता ना। खींचने दे, जहाँ जहाँ तत्व होंगे ऊपर से खींचेंगे, नीचे से खींचेंगे, मुट्ठी में आएंगे, जितने जितने खींचते जाएंगे उतनी उतनी हरी होती जाएगी, ठीक होती जाएगी। कल एक बिटिया का मैं जाप कर रहा था, तो एक जब उसकी चीज खींचने लगी तो उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी अचानक। क्यों होने लगी? जब वो चीज मुट्ठी में बंद हो गई तो खुजली बंद हो गई, है ना, कितनी गजब की बात। इसका मतलब उसको बीच बीच में खुजलियां चलती रहती थी। ऐसे हमारे पितर, हमारे शरीर में रहने वाले प्रेत हम पर हावी रहते हैं, और इतने सूक्ष्म होते हैं वो
कि हम उनको कभी पहचान ही नहीं पाते और हमें दबाव पड़ता रहता है भाई। बेटा इसकी कमर पे मार दी एक दो। भैया अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वैगनर गाड़ी है और गाड़ी नंबर 5648 है जो रास्ते में खड़ी हुई है। कौन से रास्ते में खड़ी हुई? कहाँ बीच में दबा देते हैं ना कई बार, अंदर ले जाते हैं फाइट में एक बार लगा के चले जाते हैं उतारने के लिए। वही होगा कोई बात नहीं, या चाय पानी पीने बाहर चला गया हो या वही खड़ी करके होंगे बाहर वाले जिम की भी हटवाई है। तूने कहीं के लिए अनुमति दी थी? अनुमति नहीं दी थी। बोलिए शनिदेव महाराज की। मार 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 बेटा, दो मारिए, दो मारिए, कहाँ है? हाँ हट रहा, बैठा दे, दो चार ऊपर था। बस तेरा तो भारी हाथ है, बहुत बजता है तो ढोल की तरह बजा दी तूने। अरे बहुत भारी हाथ है इस लड़की का, तो ढोल की तरह बजा दी, अंदर से आवाज आ रही है ढोल की तरह। ले लड्डू खा ले एक। बोलिए शनिदेव महाराज की। एडमिट नहीं कराएंगे, मर जाएंगे, मर जान दे। लड्डू है मेरे पास, दूं लड्डू? सांस कैसे नहीं मिल रही? बस मिल गई सांस, एक थप्पड़ में सांस आ गई। लो भाई इसके लिए इमरजेंसी भर्ती करवा दो, हो गया था काम हमारा तो अभी। हाँ जी गए थे 15,000-20,000 रुपया। हाँ जी मिल गई सांस, सांस मिल गई, अभी सांस नहीं मिल रही थी। महसूस कर कहाँ आया था तू? सर पे आ गया, दर्द भी कर रहा है। सर्वाइकल की शिकायत बताई थी डॉक्टर ने तेरे? 6 महीने पट्टी बांधी सर्वाइकल की शिकायत बता दी, जहाँ से वो शुरू हुआ था वहीं आके बैठ गया। मारिए मारिए बेटा, मिटाइए सर्वाइकल, लिए 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 करिए काम। डॉक्टरों ने भी कुछ ना पारा, बस मशीन ले आए 4, इन मशीन पे एक बार चढ़ जाओ और काम कर लो, बस सारे रोग तुम्हें बता दिए जाएंगे। अरे भाई मुझे ये बता दो, जब प्रेत है, पिशाच है, यक्ष है, किन्नर है, विद्याधर है, डाक है, बेताल है, काल है, माली है, मर है और ये पृथ्वी पे रहते हैं तो है कहाँ? ये है कहाँ? इनको ढूंढ तो लो। बस ये सोच रहे हैं सब कि बड़ा सा शरीर लेके प्रेत घूमते हैं बस, और वो सबको दिखाई देते हैं, फिल्म बना के खाते हैं, नाटक बना के खाते हैं इनके नाम। ना बताओ कुछ भी। लड्डू खाओगा? खा लूंगा। पहले क्यों ना बताई, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा। निकाल सर्वाइकल, नाड़ पकड़ रखी है, जल्दी जल्दी कर, गर्दन पकड़ रखी है इसकी, ये रहा सर्वाइकल, पता ना कितने दिन रहा ससुरा। दे भाई आखिरी वो दे देते हैं इसको, टाइम दे, कितने टाइम की होगी? 45 मिनट हो गई।
कहाँ दर्द है? बस इसी मुट्ठी में घूम रहा हूँ मंजरी। देखा भाई, भगवान शंकर ने रुद्राक्ष किस लिए पहने हुए हैं समझ में आ गया? इसलिए पहने हुए कि सारे संसार की बाधाएं उस रुद्राक्ष में समा, क्योंकि वो रुद्र का अक्ष है। वो आपके कष्ट नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, ये बताइए आप मुझे। मंत्र से शुरू से ही रोग ठीक होते हैं। कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिसके प्रसरण में रोगों का नाश ना लिखा हो। यानी कि आप इतना मंत्र जाप करेंगे इतने लाख, अब फिर आप हवन करेंगे आरोग्य हो जाएंगे। कोई स्तुति ऐसी नहीं है जिसके लिखने वाले ने, जो हमारे ऋषि महर्षि थे, उस स्थिति में ना लिखा हो कि ये देवता रोग का नाश करता है, रोग को खा जाता है। कोई स्तुति ऐसी नहीं है आज तक भी इस पृथ्वी लोक पर। फिर कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, फिर भी लोग पूछते हैं प्रेत आदि हैं कहाँ। कोई स्तुति ऐसी नहीं है जिसमें भूत प्रेत पिशाच का वर्णन ना हो। इतनी स्तुतियों में, इतने ग्रंथों में, लाखों ग्रंथों में, फिर भारतीय पूछता है कि ये तो होते नहीं है, तो ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। तो मुझे ये बताओ कि यीशु मसीह ने किसको ठीक किया? वो भी तो रोग नहीं ठीक करते थे। तो जब रोग ही ठीक नहीं कर सकता कोई भक्त, मैं कहता हूँ कोई नहीं कर सकता रोग को, जब रोग को डॉक्टर ही ठीक नहीं कर सकता तो दूसरा कौन करेगा भाई? ये भी तो बात बता दो। जब उसको डॉक्टर ही ठीक नहीं कर सकता रोग को, शारीरिक रोग को, दो ही प्रकार की व्याधियां, एक शारीरिक और एक मानसिक। नहीं समझे, मानसिक रोग कभी किसी से ठीक नहीं होता है। मानसिक रोग लोगों को बीच में रख के समझा समझा के ठीक होता है, आपस में परिचय करा के ठीक होता है, प्रेम करने से ठीक होता है ना, ख्याल रखने से ठीक होता है मानसिक रोग। मानसिक रोग आदि कहलाता है और व्याधि शारीरिक रोग कहलाता है। और जो मन से ठीक है ना, उनकी व्याधियां वैसे ही भाग जाती हैं। जब हमारा मन कमजोर होने लगता है तब हमें आधी व्याधियां घेर लेती। बहुत सारे रोग ऐसे हैं कि जहाँ हमने मन को ढीला छोड़ा और बहुत सारी चीज़ें सोचने पे लगा दी है ना। एक महात्मा थे, वो महात्मा हमेशा जो है वो मौन रहते थे। तब एक व्यक्ति जो था, वो क्या बोलते हैं उसको, वो मेंटालिस्ट, वो मन की बातें अपने आप उंगली फड़क रही है। हाँ ले ले, अभी उसमें तत्व है मुझे। पकड़ 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 पकड़। वो मन की बातें पढ़ लेता था। तो जब उस महात्मा के सामने ले जाया गया, वो घंटों बैठा रहा, महात्मा के मन में एक भी विचार नहीं आया। महात्मा निर्विचार थे, तो मन की बातें पढ़े कहाँ से है जी, फटाफट फटाफट बताता चला। ये भारत है भाई, ये संतों की भूमि है, यहाँ कुछ भी संभव है। शब्द एक शक्ति है, वो हमारा मंत्र है, और उसमें हमने, उस मंत्र में प्राण है, चैतन्य है, और वो काम करता है ऐसे जैसे ये कि तत्व को खींच खींच के लेके आया, मुट्ठी में बंद कर दिया, और मुट्ठी में भी रुद्राक्ष के अंदर अंकित कर दिया, और तत्व में कंपन चालू हो गया। और वो तत्व जब निकल गया शरीर से, तब सारा उन्माद खत्म हो गया, और डॉक्टर की परिभाषा में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। अब आपने बहुत सारी चीज़ों को रोगों के नाम दे दिए, तो कोई आदमी क्या करेगा? प्रेत तो जहाँ बैठेगा वहीं दर्द करेगा, शरीर में प्रेत जहाँ बैठेगा, पितर जहाँ बैठेगा वहीं दर्द करेगा, मेरी गारंटी है। लेकिन वो डॉक्टर से कदापि ठीक नहीं होगा, इसलिए लोग मेरे पास होते हैं, आते हैं कि वह डॉक्टर से ठीक नहीं होते। एक एमरजेंसी कोई केस मेरे लिए नहीं है, एमरजेंसी है तो डॉक्टरों के लिए है, मेरे लिए कोई एमरजेंसी नहीं है। 20-20 साल प्रेत शरीर में रह जाता है, वो मरणांत तो कर देता है आदमी को, लेकिन धीमी गति से, एकदम से कभी मारता नहीं है। एकदम से आदमी तभी मर जाता है जब इस प्रकार के 6 आत्म तत्व, जो काम से, क्रोध से, लोभ से भरे हुए हों, अग्नि तत्वों से भरे हुए और वायु तत्व से, कि जो ऐसे मरे हैं जीते जी मानव शरीर में थे, और मरे कैसे थे? फांसी लगा के मरे थे, हैं जी। और कैसे मरे थे? मन के विषाद से मरे थे, जहर खा के मरे थे। अगर वे इकट्ठे मिलके किसी पे हमला करते तो ही मार सकते हैं। ऐसे भी केस हमने देखे हैं कि एक घर में 3 मृत्यु हुई ऊपर नीचे, एक माँ मरी, 2 बेटे मरे, और 3 फांसी खा के मरे। ठीक है, तब सोच में आते हैं कि इस तरह की आत्माएं कहीं इकट्ठी हो जाती हैं, और वो मलिन आत्माएं, आत्मा तो वैसे मलिन नहीं होती, लेकिन जो गुलाब चढ़ा होता है, चूंकि आत्मा के साथ रहता है इसलिए उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे प्रत्येक प्रेत किसी के ना किसी के घर का पितर है ही कि नहीं है, बताइए आप भाई। कोई भी प्रेत है आपके अंदर है, आप उसको, आपने कह दिया कि ये तो प्रेत है, आपके लिए ही तो प्रेत है, लेकिन कोई तो उसको भोग दे रहा है, कोई तो उसके नाम का कुछ निकाल रहा है,
इसलिए हमारी ये समस्या जड़ती जा रही है। लेकिन हमें अपने मरे गिरोह को कभी पूजना ही नहीं चाहिए। अच्छे हैं तो वे वैसे नहीं पूजना चाहिए, उनको आवश्यकता नहीं। और वे अगर बुरे हैं और आपने पूज लिए तो वे कष्टकारी हैं, आपके लिए हानिकारक है, तब उनको पूजने का कोई व्यवस्था बनती नहीं। देखिए पहले में हम में क्या अंतर है, पहले समाज जो था वो भगवान के उपकार के नीचे रहता था, छत्र छाया के नीचे रहता था। क्या अब समाज ऐसा है? अब तो बाप अगर आरती करता है तो बेटा ये कह सकता है मैं नास्तिक हूँ और कोई उसको रोक नहीं सकता, वो माने या ना माने, है जी। आज ही देखिए आज समाज में कितने लोग हैं, अब जो बाबा रामपाल से जुड़ गए वे सीधे परमेश्वर से जुड़ गए, नहीं समझे, अलग अलग जुड़ गए। अब कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, किसी के अंदर किसी की सत्ता परिवर्तित होगी, किसी के अंदर किसी की सत्ता परिवर्तित होगी, कोई किसी महात्मा का ध्यान कर रहा है, कोई किसी महात्मा का ध्यान कर रहा है। ऊर्जाओं का हमें ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है? ऊर्जाओं का। लेकिन सही मायनों में इन 20 सालों में मनु भैया आज यहाँ तक पहुँच गए कि आपका प्रेत तो निकले ही निकले, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाए और आपका शक्ति तत्व मजबूत हो जाए, जिससे आपके घर की समस्या। और एक ये ऐसा इकलौता धाम है जहाँ आप आते हो, आप ठीक होते हो, आपके घर की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है, कुल की खींच के आके अपने आप, आपको खींचने की जरूरत नहीं है, देवता अपने आप खींच लेगा, आपके घर की एक एक चीज आप में से होके गुजर जाएगी, आपने थोड़ा समय दिया तो पूरा कुल ठीक हो जाएगा। इससे बड़ा कोई मैंने देखा नहीं कि शनिदेव महाराज इससे ज्यादा कोई उपकार कर सकता है कोई देवता इस कलयुग में। तो मैंने बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। चल दर्द बता, तू कहाँ है दर्द? दर्द बता, शरीर में दर्द था पूरे में, कहाँ दर्द है? बैठ जावा, चल तब गोली नहीं दी, इंजेक्शन नहीं दिया, फिर दर्द कैसे ठीक हो गए? ये उन्माद था, वो खेल ली, सारे काम कर लिए। इसको डॉक्टर कहेगा पागलपन है, इसको डॉक्टर क्या कहेगा? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, दो अंग्रेजी के शब्द बताएगा हमें, लेकिन उसको ठीक करके दिखाए तब तो मानू, नहीं समझे भाई आपने कोई भाई आपने ये बता दिया ये रोग है, लेकिन ठीक करो तभी तो रोग है, जब ठीक ही नहीं कर पा रहे हो तो रोग कैसा? भाई मुझे तो ये बता दो बस खाली भाई डॉक्टर, अगर आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, आदमी हाजिरी ले रहा है, चार चार आदमियों से रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है, पागलपन वाली बातें कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, घर की चीजें तोड़ फोड़ रहा है, अगर वो आपसे रुक नहीं रहा तो फिर वो रोग भी नहीं है, या तो आपने उसको ठीक कर दिया हो तो रोग है, और अगर ठीक ही नहीं किया तो रोग कैसा है ये तो बता दो मुझे, नहीं समझे। और फिर मुझे पूरा समाज ये बता दे कि तुलसीदास जी ने कहा काल है, मारी है, मर है, बेताल है, पिशाच है, भूत है, निशाचर है और राक्षस है, ये हैं कहाँ? कहाँ है? कहाँ ढूंढे? कहाँ देखे? ये शरीरों में धस गए हैं मेरे भाइयों और आपको सबको रोग कर रहे हैं, अनपढ़ नहीं मिलता आप देखने से, और 21 साल बाद इस भारत का एक भी आदमी अनपढ़ नहीं रहेगा ये बता देता हूँ, एक भी आदमी अनपढ़ नहीं रहेगा। और खोज तो करनी होगी क्योंकि हमारी खोज थी, हमारी खोज है और सनातन की है, ऋषियों की परंपरा है, वैदिक परंपरा है, हमने कब यज्ञ नहीं किया था, किस वेद में हमने यज्ञ नहीं किया है, कौन सा वेद बिना यज्ञ के लिखा हुआ है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें यज्ञ की महिमा नहीं है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें दीपदान की महिमा नहीं है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें मंत्र जप की महिमा नहीं है, और कौन सा ग्रंथ ये कहता है कि यज्ञ करने से रोग नहीं जाते, कौन सा वेद या ग्रंथ ये कहता है कि मंत्र जाप से रोग ठीक नहीं हो सकते, और कौन सा व्यक्ति इस संसार का ये कहता है कि मंत्र जप से, यज्ञ से और दीपदान से कष्ट ठीक नहीं होते? एक चंद्रमा को जब अक्षमा रोग हुआ, क्षय रोग हुआ चंद्रमा को, तब चंद्रमा को भी दीपदान की विधि बताई महर्षि ने उसने, देखिए कितनी बड़ी बात है, तब आपने दीपदान कर लिया अपने रोग का निवारण करने के लिए, चंद्र देवता करते चले आ रहे हैं चंद्र देवता के काल से, तब आपने कौन सा अपराध कर दिया भाई? हम भी करेंगे ये सारी क्रियाएं जो हमें लाभ देगी इस समाज में, वो हम क्रिया करेंगे करेंगे, हम अपनी पत्ती से कभी नहीं डिगेंगे, और संसार में कोई ताकत नहीं है हमें हमारे धर्म से अडिग कर दे, गर्दन काट दे बेशक, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? और हम ही हैं जो करके दिखा सकते हैं, ठीक है, मानना ना मानना तो किसी के दूसरे की कला है, लेकिन मानना जो पीड़ित है वो तो मान लेगा भाई, अपने पीड़ित ले आओ आके करा के ले जाओ, ठीक ठीक है, और यही है, फिर उनका उन्माद भी ठीक होगा, उनके रोग भी ठीक होंगे और उनकी शारीरिक तकलीफें भी ठीक होंगी, और जो वो हाजिरी रहते हैं ना हिल हिल के वो भी ठीक हो जाएंगी। जय शनिदेव सबको। हम यज्ञ शुरू करते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है,
और काम भी बहुत ज्यादा है जी। बोलिए शनिदेव महाराज की।